बहुत बेकार। मैं बस ये सोच रहा था कब खत्म हो। बहुत 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 ज्यादा बेकार। नहीं, आप इतनी देर से मेरे से गुजारिश कर रही थी, आप बताओ। नमस्कार, मैं सुमन घोष और आप देख रहे हैं न्यूज साइट। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के डिलाइट डायमंड्स में, जहाँ PS-1 का प्रेस शो चल रहा है। तो चलिए जनता के पास और जानते हैं उनको ये मूवी कैसी लगी। सर, आपको मूवी कैसी लगी है? बहुत बेकार, नियायती बकवास, बस मैंने झेल ली। मेरे लिए वही मैच बच गया मूवी देखने से। खत्म, मैं बस ये सोच रहा था कब खत्म हो। आखिरकार बिना खत्म हुए मैं बाहर निकल आया। बहुत 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 ज्यादा बेकार। उसे कसम है उसकी माँ की जो ये फिल्म देखे। भाई साहब, मेरे सिर फट रहा है, आप मत फटाओ प्लीज। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, विनम्र निवेदन है, प्लीज मत देखना कोई भी। कैसी लगी है? नहीं, आप एक बात बताओ, आप मेरे बगल में बैठ के रो रही थी, मेरे मतलब आप ऐसे मेरे से गुजारिशें कर रही थी कि जैसे मैं पिक्चर का प्रोड्यूसर हूँ, कि सर आधा घंटा बढ़वा दो, आधा घंटा कम करवा दो, सर फास्ट फॉरवर्ड करवा दो, सर मैं सदमे में चली जाऊँगी, हैं? नहीं, आप इतनी देर से मेरे से गुजारिशें कर रही थी, आप बताओ, हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या बताऊँ? आप, मैं सीट पर बैठा था, बताओ मेरे को। मैं इतना हेल्थ कॉन्शियस आदमी हूँ कि बर्गर नहीं खाता, दो बार बर्गर खा के गया हूँ कि टाइम तो कटे, पिक्चर अंदर चल रही है, बाहर खड़ा हूँ। बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत ही बोरिंग फिल्म है। अगर आप पैसा लगा के देखने जाएंगे तो आपके लिए लॉस है। मैम देखो, अगर कोई इंसान वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ फिल्म देखने जाता है ना, तो वो इस उम्मीद से जाता है कि वहाँ बैठेगा, 3 घंटे चिल करेगा, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न पप्पी झप्पी लेता हुआ फिल्म देखेगा और मजे मारेगा, है? ये फिल्म ऐसी है कि आप 3 घंटे तो जाओगे लेकिन आप 1.5 घंटे में वापस आ जाओगे। क्यों? क्योंकि फिल्म इतनी बोरिंग लगेगी आपको, फिल्म आपको समझ ही नहीं आएगी। यार क्या अब दिखा रहा है भाई मणिरत्नम, हमें कहाँ उसने गुरु बनाई, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में हमें देने के बाद ऐसी फिल्म, मतलब मुझे तो लग रहा है कि ना उन्होंने सोचा कि इसको ऐसा बना दूँ कि सब भूल जाएँ, लोग बाहुबली भूल जाएँ, जोधा अकबर भूल जाएँ, और फिर उसने बना दिया एक ऐसी चीज़ जो बाहुबली जोधा अकबर दोनों का मिक्सचर है। मुझे तो अच्छी लगी है, ज़्यादा बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरी भी नहीं कह सकते हैं, मिड में, मतलब नॉर्मल है, अच्छी लगी है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे थे, और जिस तरीके से हिस्ट्री में जो चीज़ें होती हैं, पहाड़ होते हैं, नदियों को दिखाया जाता है, पोशाक जो है वो सब, मतलब इस तरीके से अच्छा था। ऐश्वर्या राय भी काफ़ी सुंदर लगी हैं, बट हाँ जो रोल उन पर जचता है वो ये इस रोल में वो थोड़ा सा जो है वो कम लगी हैं। मुझे मूवी समझ नहीं आई है, पता नहीं क्यों, बट थोड़ा बोरिंग था मूवी में, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही था। जिनको समझ आ रही है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रही तो उनके लिए मूवी का जो टाइम है वो बहुत मुश्किल होने वाला है थिएटर में आकर काटना। मूवी ठीक ठाक थी, मतलब अगर टाइम पास करना है तो आप आ सकते हैं। मूवी ग्रैंड है, बहुत अच्छे विजुअल हैं, पर स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और स्टोरी समझ में नहीं आ रही है क्या मामला है। ये स्टोरी समझने में ही सारा सब चल जाता है लोगों। जब मणिरत्नम की मूवी आती है तो बोलते हैं कि काफ़ी बड़ी मूवी आई है, तो क्या ये लायक है मणिरत्नम की? नहीं, वो बड़ी फिल्म है, ये ग्रैंड फिल्म है, विजुअल ग्रैंड है इसके, पर जो कहानी है ना उससे जुड़ाव थोड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों, समझ में नहीं आ रहा है क्या कहानी है, बहुत अंत में जाके समझ में आता है, शायद पार्ट 2 में और ज़्यादा बेहतर होते आ जाए। मूवी को ना खींचा गया, बहुत स्ट्रेच किया गया मूवी को, मतलब फर्स्ट हाफ में ही मतलब समझ आई मूवी, उसके बाद तो ये है कि भाई कहानी को खींच रहे हैं, बस जनता को दिखाए जा रहे हैं, बस ये दिखाया गया। मूवी बहुत बड़ी है लेकिन समझ भी आनी चाहिए ना, अब मुझे समझ नहीं आई है बड़ी है छोटी है, पता ही नहीं है। फिल्म का सेट अच्छा है, डायरेक्शन अच्छे हैं, जो शॉट्स लिए गए हैं बहुत अच्छे, एक्टिंग कमाल की, लेकिन फिल्म बांध करके नहीं रख पा रही है, तो सारी चीज़ें तो वहीं ख़राब हो गई है ना, कि ऑडियंस नहीं रुक रही है थिएटर के अंदर, तो मुझे फिल्म समझ नहीं आई। इस तरीके से हम जब ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी, तब जब रिव्यूज़ हम लोग पढ़ रहे थे या जो जो एक्साइटमेंट थी उसको देख के लग रहा था कि ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रिव्यू बिल्कुल अच्छे नहीं है और लोगों को ना मूवी बेसिकली समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि इंटरवल से पहले अगर देखेंगे तो सिर्फ करेक्टर ही दिखाए जा रहे हैं, हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं बताई गई है, इसलिए लोग कंफ्यूज हैं इस मूवी को लेकर। उम्मीद मुझे भी थी, भाई पैन इंडिया फिल्म है तो बड़ी मूवी है ये, मतलब समझने के लिए ज़रूरी है कि जो ऑडियंस है उसको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद, तो वैसे लोग अगर मूवी देखने आते हैं तो ये फिल्म टॉर्चर लगने वाली है। बहुत बड़ी मूवी है मैम ये, बिल्कुल सही, ये बहुत ही बड़ी पिक्चर है, इतनी बड़ी पिक्चर है कि मैं इसे पूरी नहीं देख पाया।
ज़्यादा ही बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई समझ से परे हो गई, इतनी बड़ी मूवी का शौक नहीं था, ज़्यादा बड़ी हो गई फिल्में। और ये हमारे परम पूजनीय खड़े हैं इन महाराज का, इनका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, हमारे किन कर्मों की सज़ा आपने दी आज हमें, मुझे भी नहीं पता। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और तो जितनी भी इस मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इतना बड़ा दिखाया गया, इतना बड़ा दिखाया कि लेकिन डिलीवर की ये मूवी नहीं थी, मुझे ऐसा लगा। मतलब अभी भी वो चल रही है, हम छोड़कर आ चुके हैं। देखो बड़ी हो लेकिन इसमें स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आई, एक्टिंग भी उतनी खास नहीं लगी। नहीं नहीं बिल्कुल भी खास नहीं है, वाहियात मूवी है, बिल्कुल वाहियात, 3 घंटे बर्बाद और पैसे भी बर्बाद। अब एक्टिंग के लिए क्या मतलब, एक्टिंग कैसी लगी है इसमें? एक्टिंग तो अच्छी है लेकिन स्टोरी समझ में ही नहीं आ रहा क्या दिखा रहे हैं, हिस्ट्री जो दिखा रहे हैं राजाओं को लेकर के कुछ समझ में नहीं आ रहा स्टोरी। देखो ऐश्वर्या मैम को हम जानते हैं, उनकी एक्टिंग हमें पसंद है, बट मैं और किसी को नहीं जानता था और मुझे स्टोरी उतनी समझ नहीं आई, तो मैं एक्टिंग ठीक ठाक ही कहूँगा। यार जब ये मूवी आई, एक तो इसका बजट लेके, इतना बजट को लेके हाइप किया गया, फिर उसके बाद इसकी स्टार कास्ट के नाम पे तो उन्होंने ऐसे ऐसे लोग ला के रख दिए ना जिसे पता नहीं फिल्म आर सिटी मार जाएगी। बट मैं कह रही हूँ ना, ढेले भर की मूवी है तो एक्टर्स की एक्टिंग भी बेकार ही होगी। ऐश्वर्या रॉय बच्चन के अलावा फिल्म में कुछ अच्छा नहीं है, बाकी बाहुबली का हल्का वाला वर्जन है और कुछ नहीं है। आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी ये बताओ, मेरी एक्टिंग कैसी लगी ये बताओ, पिक्चर छोड़ो मेरी एक्टिंग बताओ आप। मुझे तो एक्टिंग दिखी ही नहीं किसी की, मतलब ऐसा लगा कि नॉर्मली डायलॉग्स बोल रहे हैं, लेकिन कलाकार बहुत दिग्गज हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, लेकिन ठीक ठाक ही है एक्टिंग। बस वही एक चीज़ है जो बांध के रखती है, विक्रम की एक्टिंग, ऐश्वर्या राय का, ऐश्वर्या की एक्टिंग नहीं है, ऐश्वर्या का ऐसा है आँखें दिखा रही है, कभी अपना मुँह दिखा रही है जिस पर डबल कोट का मेकअप हो रखा है। अबे यार ऐश्वर्या राय है ठीक है माना, इसमें इतना क्या उसको बार बार कैमरा जूम कर करके दिखाना है, वो बहुत बेवकूफ़ी लगती है मुझे। एक तो जब आप एक स्टार को दिखाते हो ना और उसको हर एंगल से दिखाते हो, अबे क्यों भाई, पता है ऐश्वर्या राय है यार वो, तो ऐसा दिखाने की क्या है यार, मतलब चुल समझ से परे। अब आई थिंक द ऑडियंस ऑफ टूडेज जनरेशन इज बिट मेच्योर, जिनको पता है कि भैंस की आँख, ये एक्टर दिखाने से फिल्म नहीं चलती, अच्छी कहानी से, अच्छे कंटेंट से फिल्म चलती है। एंड आई थिंक ये कहानी और इसकी नरेशन इतनी पुअर है ना, इतनी वीक स्क्रीन प्ले है ना, कि ये फिल्म को ले डूबी। एक्टिंग अच्छी थी, सब ऑल ओवर बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्टिंग तो भाई वो अपने अपने कलाकार जो हैं वो माहिर हैं अपनी अपनी कला में, तो जाहिर से हाँ, लेकिन ऐश्वर्या राय थोड़ा सा चाय कम पानी जैसे कहेंगे ना, वो थोड़ी सी लगी, कैरेक्टर सूट नहीं किया उनपे। एक्टिंग नो डाउट अच्छी थी, पुराने कलाकार हैं, उनकी एक्टिंग के लिए स्टार 5/5 देना चाहूँगा, लेकिन जो है स्टोरी अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छा नहीं था, उसको मना करूँगा। एक्टिंग भी अच्छी है, दिग्गज कलाकार हैं, सेटिंग भी बड़ी है, बहुत अच्छे विजुअल हैं, ग्रैंडनेस है, ग्रैंडनेस इज देयर, पर स्टोरी में कॉम्प्लिकेशन है, बहुत बहुत ज़्यादा फैली हुई स्टोरी। आउट ऑफ 5? 3। 5/2.5 देना चाहूँगा। 3 स्टार्स एक्टर्स के लिए और डायरेक्शन के लिए बस। 3। 2 स्टार्स। 0। बिल्कुल मत पूछ लेना, मैं केस कर दूंगा कंपनी वालों पे। नहीं, वो बताना पड़ेगा। आउट ऑफ 5? -0। 1। मैं इसको 5 में से 1 स्टार देना चाहूँगा। 2। थैंक यू सर। PS1 साउथ की मूवी है जिसमें विक्रम, ऐश्वर्या रॉय बच्चन जैसे काफ़ी दिग्गज कलाकार मौजूद हैं। इसका डायरेक्शन मणिरत्नम ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना स्लो वे में क्यों बता रही हूँ, तो ये जनता के रिव्यू है, जनता को भी ये मूवी बहुत ही स्लो, बहुत ही पकाऊ टाइप की मूवी लगी है, और इस मूवी को थिएटर्स में जाके देखना वो आपके खुद के रिस्क पर होगा ये मूवी, और जनता के यही, जनता ने 2.5 रेटिंग दी है इस मूवी को, और मैं भी आपसे यही बोलूँगी अगर जब आप ये मूवी देखने जाएं तो अपने रिस्क पे जाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे की तमाम बड़े प्रेस शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।